नंबर एक पर, एक साथ या एक पंक्ति में समान पौधों को रखना या लगाना सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। हालांकि यह आपके बगीचे में एक प्रकार के पौधों के साथ अच्छा लग सकता है। कंटेनर बागवानी में भी आप एक ही प्रकार के पौधों को एक साथ रखते हैं। यह एक बुरा विचार है, क्योंकि यदि कीट या बीमारी हमला करती है तो आप पूरी पंक्ति खो देंगे। दूसरे नंबर पर, अंकुर का प्रत्यारोपण। कई माली प्रत्यारोपण करने के लिए अपने रोपाई के कोमल तनों को पकड़ते हैं। ये गलत है, क्योंकि तने कोमल होते हैं और ये तने से गुजरने वाले पानी और भोजन संचालन ट्यूबों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा उनके पत्तों को पकड़कर रोपाई उठाएं। जड़ों को उठाने के लिए मिट्टी में खुदाई करने के लिए आप कांटा या चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर, तुरंत नर्सरी से एक नए खरीदे गए पौधे को रिपोर्ट न करें। यदि आपका पौधा अभी अभी नर्सरी से घर आया है तो इसे रिपोर्ट करने से पहले कम से कम एक सप्ताह के लिए अपने नए वातावरण में समायोजित करने दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि पौधे पहले से ही अपनी नई जगह पर सदमे में हैं और उन्हें प्रकाश, तापमान और आर्द्रता की स्थिति जैसे नए कारकों को समायोजित करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर यदि आपका प्लांट ऑनलाइन खरीदा गया है तो आपको तुरंत इसको रिपोर्ट करना होगा। चौथे नंबर पर, अति आत्मविश्वास। सबसे बड़ी गलतियों में से एक, कभी कभी अनुभवी माली अपने स्वयं के अनुभव और ज्ञान पर अधिक निर्भरता करते हैं। आप कभी भी परिपूर्ण नहीं होते हैं और सबसे सफल माली आमतौर पर वे होते हैं जो सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। पांचवें नंबर पर, पौधे को रिपोर्ट करते समय रूट बॉल को निकालने के लिए पौधे को उसके तने से कभी बाहर न खींचे। रूट बॉल को निकालने के लिए कंटेनर को धीरे से एक कठोर सतह पर टैप करें। यह आसानी से बाहर आ जाएगा। रूट बॉल को ढीला करने के लिए आप कंटेनर के चारों ओर चाकू भी चला सकते हैं। छठे नंबर पर, गंदे टूल्स का उपयोग करना। हम सभी ने ये गलती कई बार की है। एक ही टूल के साथ मिट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई करने से रोगजनकों को एक पीड़ित पौधे से स्वस्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। ट्रोवेल या कुदाल के कई सेटों को खरीदना व्यवहारिक प्रतीत नहीं हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, उपयोग के बाद उपकरण को कीटाणुरहित या साफ करें या बस इसे पानी से धो लें। तो बेहतर विकल्प ये है कि आप अपने टूल्स की सफाई के लिए घरेलू बेकिंग सोडा या यहाँ तक कि सिरका का भी उपयोग कर सकते हैं। सातवें नंबर पर, हाल ही में रिपोर्ट किया हुआ प्लांट को सीधे कड़ी धूप में रखना। पौधा रिपोर्टिंग के बाद पहले से ही प्रत्यारोपण के शौक में है। पूर्ण सूर्य के प्रकाश में शिफ्ट करने से पहले पौधे को कम से कम एक सप्ताह के लिए हमेशा अप्रत्यक्ष धूप या छाया में रखें। आठवें नंबर पर, एक साथ बहुत करीब रोपण, यानी पौधे की दूरी। चाहे बीज लगाना हो या पौधे लगाना, एक दूसरे के बहुत करीब रोपण अच्छा नहीं है और मिट्टी में पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण पौधों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। नौवें नंबर पर, बहुत गहराई से बुवाई। यह एक आम गलती है जो ज्यादातर नए गार्डनर्स करते हैं। यदि आप बहुत गहराई में बोते हैं तो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। सामान्य नियम ये है कि बीजों को उनकी मोटाई से दो गुना या अधिकतम तीन गुना गहरा बोया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि बीज 2 मिलीमीटर मोटे हैं, तो उन्हें 4 से 5 मिलीमीटर गहरा बोएं। बहुत छोटे बीजों के लिए बस उन्हें मिट्टी के शीर्ष पर छिड़कें। दसवें नंबर पर, रिपोर्टिंग के दौरान मदर मिट्टी को हटाना। आपको कभी भी पूरी मात्र मिट्टी को नहीं हटाना चाहिए जिसमें पौधा खरीद के दौरान आया था, जब तक कि मिट्टी बहुत चिकनी न हो या यदि यह कवक की गंध या इस तरह की चीजों से पीड़ित हो। बस जड़ों को लूज करें और रिपोर्टिंग करते समय रूट बॉल को नए कंटेनर में रखें। 11वें नंबर पर, मधुमक्खी और तितलियों जैसे लाभकारी पॉलिनेटर कीड़ों को मारना और लेडीबग्स और बीटल जैसे कुछ कीट खाने वाले कीड़े भी। आप नीचे दिए गए विवरण में एक लिंक से इन कीड़ों पर एक उपयोगी वीडियो पा सकते हैं। 12वें नंबर पर, ओवर वाटरिंग। ये सबसे आम गलती है और सबसे बड़ा प्लांट किलर है। अधिक पानी देने और जड़ों का दम घोटने से पौधे की जड़ सड़न और मृत्यु हो सकती है। सबसे अच्छा अभ्यास फिंगर डिप विधि है। आप पानी देने से पहले नमी की जांच करने के लिए अपनी उंगली को मिट्टी में लगभग 1 इंच तक डुबोते हैं। नंबर 13 पर, अति उर्वरक। पौधे को उर्वरक, विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों का खिलाना, खास करके पौधे को तेजी से विकसित करने के लिए, सचमुच आपके पौधे को मार सकता है। इसलिए हमेशा जैविक उर्वरक जैसे वर्मी कंपोस्ट, विघटित गाय का गोबर या घोड़े का गोबर आदि का उपयोग करें। कृपया रासायनिक उर्वरकों से दूर रहें। नंबर 14 पर, हार्डनिंग ऑफ प्रक्रिया का पालन नहीं करना। हार्डनिंग ऑफ का मतलब है आप धीरे धीरे अपने रोपाई को बाहरी दुनिया, मुख्य रूप से सूरज की रोशनी में उजागर करते हैं और उन्हें अनुकूलित करते हैं। जब आप अपने रोपाई पर पत्तियों का अपना पहला सेट प्राप्त कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे उन्हें चरण दर चरण तरीके से सूर्य के प्रकाश से परिचित करा सकते हैं। जैसे पहले दिन के लिए 1 घंटा, अगले 2 दिनों के लिए 2 घंटे और इसी तरह। नंबर 15 पर, कीट हमलों का बारीकी से निरीक्षण नहीं करना। कीटों को पहचानने और सावधानी से समाप्त करने की आवश्यकता है। कीट जैसे एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, मीली बग्स आदि आपके पौधों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 16 पर, अपने पौधों की छटाई या ट्रिम करने में संकोच करना। अपने पौधों की छटाई या ट्रिमिंग पौधे के लिए बहुत फायदेमंद है और अधिक शाखाओं को बढ़ावा देती है और इसलिए उपज को बढ़ाती है। आप नीचे दिए गए विवरण में एक लिंक से विस्तृत वीडियो देख सकते हैं। नंबर 17 पर, वीड्स को बढ़ने देना। ये गलती के बजाय आलस्य का कार्य है।
अवांछित पौधे या वीड्स मिट्टी से पोषक तत्वों को चूस लेंगे और आपके मुख्य पौधे में कमी के मुद्दों का कारण बनेंगे। 18वें नंबर पर, धूप के महत्व को नहीं जानना। सूरज की रोशनी के बिना पौधे अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते और जीवित नहीं रह सकते। हालांकि हर पौधे के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता अलग अलग होती है, लेकिन पूर्ण धूप के बिना सब्जियों और फलों को उगाने की उम्मीद करना एक गलती है। अधिकांश फूलों और फलने वाले पौधों के लिए प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप आवश्यक है। नंबर 19 पर, अन्य पौधों के करीब आक्रामक पौधों का रोपण। ये कमजोर पौधों में पोषण की कमी का कारण बन सकता है जो मजबूत आक्रामक पौधों के करीब है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डार्विन का योग्यतम की उत्तरजीविता। नंबर 20 पर, बागवानी में अवैज्ञानिक जानकारी पर भरोसा करना। ये सबसे खतरनाक गलती है। नौसिखिया गार्डनर्स इंटरनेट पर इतने सारे भद्दे गैर वैज्ञानिक बागवानी जानकारी देखते हैं और अपने पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। थोड़ा सा सामान्य ज्ञान और कुछ बुनियादी विज्ञान वो सब है जो सफल बागवानी के लिए आवश्यक है। हैप्पी गार्डनिंग।